Head of News 24. सर अब फॉर्मल आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और न्यूज़ 24 की तरफ से आसम की तरफ से आप सब यहाँ पे आपने यहाँ एडमिशन लिया है और ये आशा है कि आप इस फ्लैग को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं सुमित को बधाई भी देना चाहूँगी और थैंक्स भी कहना चाहूँगी क्योंकि सुमित जो है इन्हें मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। छोटे छोटे भाई की तरह करूँ जिसे कह सकते हैं कि मेरे तो नहीं पठान शायद राजीव जी से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, मेरे से नहीं सीखा सुमित ने। ही इज़ नेवर वर्कड विथ अस बट ही इज़ बीन पार्ट ऑफ फैमिली और दैट इज़ वॉट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि सुमित तो नहीं लेकिन इनकी जो बेटर हाफ हैं उन्होंने यहाँ बहुत दिन आसम में बहुत दिन आसम के बच्चों को पढ़ाया है उनकी और उनमें से बहुत जो हैं आज बहुत होनहार वीरवान जो होके वो लोग अभी बहुत जगह पे स्थापित हैं। मानक न्यूज़ 24 के साथ पिछले 10 12 14 साल से जुड़े हुए हैं। ये लंदन से बीबीसी से वापस आए थे और उसके बाद ये यहाँ आ गए थे, गए नहीं तो ये हमारे एक्चुअली स्तंभ होके रह गए। राजीव रंजन ये हमारे घूमता फिरता स्तंभ है, रोविंग पिलर है ये, क्योंकि ये जो स्तंभ है ना, ये जो न्यूज़ 24 के ये जो लोग स्तंभ हैं ये ऐसे लोग हैं कि इनके साथ प्रोफेशनल वाला अप्रोच नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, कभी प्रोफेशनल मतलब ये लोग मल्टीटास्कर्स हैं और इसीलिए न्यूज़ 24 जहाँ भी है उसके लिए इन लोगों का जो खून पसीना जो इनकी जिसे कह सकते हैं ना कि ब्रांड को आगे बढ़ाने में इन सब का बहुत बड़ा हाथ है और ये मुझे लगता है कि ये चलता रहेगा और आप लोग सब इसमें कड़ी बनने वाले हो, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इन लोगों के बनाए रास्ते तो नहीं लेकिन इनसे सीखो ज़रूर। बिकॉज अनलेस एंटली यू लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, यू कैन नेवर एवर बिकम बिग और ग्रो इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। बिकॉज जो आपको सीनियर्स आपको एक्सपीरियंस देता है और जो आपको सीनियर जो चीज़ सिखाता है वो शायद आपको किताबों में नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया पर बिल्कुल नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो भूल ही जाइए। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर उन चीज़ों को देखने या समझने आए हैं तो आई एम सॉरी दैट्स नॉट द प्लेस। अगर आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं और अगर आप जर्नलिज्म को एज अ स्किल लेना चाहते हैं देन दिस इज द प्लेस। क्योंकि आप शायद अभी 12th पास करके आए होंगे, आप लोगों ने किसी और कॉलेज में अगर जाना था ग्रेजुएट बनते हिस्ट्री करते ज्योग्राफी करते जो भी आज के डेट में सब्जेक्ट्स हैं एमबीए करते और उसके बाद सोचते कि मुझे कौन सा प्रोफेशन लेना है, क्या मैं यूपीएससी के लिए तैयारी करूं कि क्या मैं किसी और चीज़ के लिए तैयारी करूं। लेकिन अगर आप आसम के ब्रांड में आए हैं तो एक चीज़ तो सेट है कि आपको अगर आप यहाँ अपने शिद्दत से पढ़ाई कर ली एंड यू वर्कड हार्ड तो आपको यहाँ से निकलने के पहले नौकरी मिल जाएगी, इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं। लेकिन मेरी गारंटी हम लोगों की गारंटी के साथ साथ ये ज़रूरी है कि आप अपना उसमें 100, 200, 300, 400 नहीं मोर देन 1000% दें। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर जितने सीनियर्स हैं जितने टीचर्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे और यहाँ पर जैसे तनुजा
किसका एसोसिएशन हमारे साथ, जो आपकी डायरेक्टर हैं उनका एसोसिएशन कुछ 25 साल से है, 27 साल से, जस्ट आफ्टर हर ग्रेजुएशन फ्रॉम पटना विमेंस कॉलेज शी टुक अ, उस समय एक मगध एक्सप्रेस चलती थी, आज मुझे पता नहीं वो चलती है कि नहीं, उस मगध एक्सप्रेस में बैठ के बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और वो एक हमारा बहुत छोटा सा ऑफिस होता था मालवीय नगर में, C4 अब शिवालिक, उस ऑफिस से सब बहुत हमने भी शुरुआत की और बहुत सब ने शुरुआत की है। तो आप बहुत ही एक सीजन पर्सनालिटी टीचर के हाथ में हो, क्योंकि तनुजा के पास हर तरीके का एक्सपीरियंस है, चाहे वो फिक्शन का हो, चाहे वो जर्नलिज्म का हो, चाहे वो एक डिप्लोमेट का भी हो। यहाँ वापस आने से पहले तनुजा हंगरी में एज अ चार्ज कल्चरल, शी वॉज कॉल्ड द कल्चरल डिप्लोमेट इन ऑफ इंडिया इन हंगरी। सो उनका जो, और शी इज़ अ राइटर, शी इज़ अ वेरी गुड राइटर, हर बुक्स हैव बीन पब्लिश्ड। तो एक जो जिसे बोलते हैं ना, पूरा एक 360 डिग्री का उनके पास एक्सपीरियंस है, और आप लोग उस एक्सपीरियंस से आगे बढ़ेंगे। भारती हैं, अगेन वेरी सीजन्ड प्रोफेशनल नाउ इन टीचिंग प्रोफेशन, और मैं कभी सोचती हूँ कि ये लोग उस चीज़ को छोड़ के यहाँ क्यों आए हैं। तो आई थिंक एक इनका पैशन भी होगा कि हमने जो कुछ सीखा है उसे अपने आगे बच्चों को दें। गरिमा हमारे साथ अभी थोड़े दिन पहले जुड़ी हैं, लेकिन गरिमा को मैं पहले कभी नहीं जानती थी, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि शी इज़ एडजस्टेड वेरी वेल एंड शी इज़ कीपिंग द, शी इज़ विदाउट सेइंग एनीथिंग शी इज़ फिट इनटू द फ्लैग ऑफ न्यूज़ 24, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो अजय जी अभी आए नहीं हैं, एक्चुअल स्तंभ अभी की डेट पे वही है पीछे से, रोज़ सुबह सुबह डंडा घुमाना शुभ को शुरू कर देते हैं, तो ही इज़ नॉट हियर। सो वेलकम यू ऑल, और मस्त रहिए खूब। देखो अगर आप लोग अपने पैशन के साथ इस प्रोफेशन में हो तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है।